हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे बेसिक्स ऑफ आईटी का सेकंड पार्ट। पहला पार्ट ऊपर आई बटन में दिया है। आज हम लोग सीखेंगे इंट्रोडक्शन टू जीएनयू लिनक्स, कंप्यूटर नेटवर्क, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, आईटी एनेबल सर्विस, करियर इन आईटी और रिसेंट ट्रेंड इन आईटी। इंट्रोडक्शन टू जीएनयू लिनक्स। जीएनयू लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम की फैमिली है जो बहुत सारी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल की तरफ से बनाया गया है। ये फ्री सॉफ्टवेयर फिलोसॉफी को यूज़ करके बनाया गया है। ये फ्री ऑफ चार्ज है, फ्री टू डिस्ट्रीब्यूट है और ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मतलब कोई भी उसको मॉडिफाई कर सकता है। इम्पॉर्टेंट है क्यों करके अगर किसी को कुछ चेंज करने का है, कुछ प्रोग्राम चेंज करना है या कुछ बग फिक्स करना है तो ये बहुत काम आएगा। यूज़र अपने आप से कोई भी प्रोग्राम लगा सकता है और कोई भी प्रॉब्लम फिक्स कर सकता है। इसका रिजल्ट आएगा हायर सिक्योरिटी कोड और ज़्यादा सिक्योर प्रोग्राम। इनफैक्ट 2018 में वर्ल्ड 500 कंप्यूटर लिनक्स में काम करते हैं जो बहुत फास्टेस्ट है। अभी सेकंड हम लोग पढ़ेंगे उबंटू। उबंटू एक बहुत पॉपुलर जीएनयू लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें दो पार्ट है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और कमांड लाइन इंटरफेस। पहला पढ़ेंगे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। आप ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये ग्राफिकल वे में आइकॉन ये सब आपको ग्राफिक में दिख रहे हैं। इधर भी यही लिखा है कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ये इंटरफेस है जो ह्यूमन इंटरेक्ट कर सकता है। ह्यूमन देख के पहचान सकते हैं कि कौन सा ग्राफिक है। ये जैसे व्हाट्सएप का लोगो आता है तो वो अपन पहचान सकते हैं कि व्हाट्सएप का है, क्रोम है तो क्रोम का है। और हालांकि कमांड लाइन इंटरफेस में पूरा उल्टा होता है, सिर्फ टेक्स्ट लिखा देता है, वो भी कोडिंग के फॉर्म में। या आप देख सकते हैं इधर पे ये पूरा कोड टाइप किया गया है। यहाँ पर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा रहेगा अगर आप कोडिंग नहीं सीखे तो। कुछ लिनक्स के कमांड है जो टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, ls लिस्ट डायरेक्टरी, आप ये सब पढ़ सकते हो अगर पढ़ना है तो। क्लियर कमांड होता है। अभी हम पढ़ेंगे GNU लिनक्स फाइल सिस्टम हेरिटेज स्टैंडर्ड। GNU लिनक्स एक टॉप मोस्ट डायरेक्टरी है जो रूट डायरेक्टरी बोला जाता है। इसको स्लैश करके बताया जाता है। स्लैश में आपका सब कुछ आ गया, कैमरा सब लिनक्स में सारा का सारा एक फोल्डर के तौर पे रहता है। कैमरा, माइक्रोफोन, नेटवर्क डिवाइस। तो कुछ देखेंगे हम लोग सिस्टम। स्लैश मतलब रूट डिक्शनरी, मेन डिक्शनरी जिसमें सब कुछ इन्वॉल्व हुआ। बिन मतलब ज़्यादा एसेंशियल प्रोग्राम रहते जो कंप्यूटर में, वो देव सारे कनेक्टेड डिवाइस, कैमरा, वेबकैम, सेंसर, बैटरी सब। एक्सेट्रा सारे कॉन्फ़िगरेशन फाइल रहती है इधर पे। प्रॉप ये सारे इन्फॉर्मेशन देता है जो प्रोसेस हो रही चीज़ अब अपने जो कंप्यूटर में, उसमें जो रैम कितनी फ्री है, कितनी यूज़ है, सब कुछ। टेम्पररी मेमोरी मिल जाती है आपको। होम डिक्शनरी में जाते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्यों लिनक्स पढ़ना चाहिए। लिनक्स पढ़ने में बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। सूनर और लेटर इन द करियर GNU लिनक्स विल बी यूज द वर्क प्लेस। बहुत सारे डेस्कटॉप GNU लिनक्स पे रन कर रहे हैं अभी भी। और आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड का वो भी मॉडिफाइड वर्जन है ऑफ लिनक्स का। लिनक्स ओपन सोर्स है। इधर ओपन सोर्स का मतलब सिर्फ फ्री ऑफ चार्ज नहीं है, इसमें सब कुछ फ्रीडम है। जहाँ कोई भी उसको मॉडिफाई कर सकता है, कुछ भी कोड चेंज कर सकता है, कुछ भी नया प्रोग्राम डाल सकते हैं। इसके बाद लिनक्स OS इस फ्री फ्रॉम वायरस। इस जैसे कि विंडोज़ में वायरस को परमिशन लगती है कि ये यूज़ करे, इसी तरह लिनक्स में भी परमिशन लगती है। और परमिशन जो यूज़र है तो उसके हाथ में रहती है। तो ये परमिशन अगर अपन देंगे तो होएगा, नहीं देंगे तो नहीं होगा। इधर इजी है सॉफ्टवेयर को अप टू डेट करना। हालांकि आप जानते हैं कि लिनक्स जो इंडिविजुअल के तौर पर बनाया गया है, कंपनी की तरफ से बनाया गया है, तो वो खुद ही अपडेट कर सकता है सारे प्रोग्राम को चेंज करके। लिनक्स फ्लेक्सिबल और इजी टू कस्टमाइजेबल है। पूरा कस्टमाइज कर सकते हैं, कोई भी इसको कस्टमाइज कर सकता है। स्टेटस बार कहाँ लगाना है, साइड में, ऊपर, नीचे, ये विंडोज़ में ऑप्शन है लेकिन आपको पूरा अंदर अंदर जाके यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन इधर पे पूरा कोडिंग करके कर सकते हैं। एक्सीलेंट सपोर्ट। बहुत सारे कंप्यूटर फ्री सॉफ्टवेयर जैसे कि लिनक्स पे रन करते हैं। लिनक्स जो है वो इंडिविजुअल की तरफ से बनाया गया है या तो कंपनी की तरफ से बनाया गया है, तो कोई भी उसको सपोर्ट करने को तैयार है। लिनक्स ओपन सोर्स है, कोई भी उसको रिपेयर करने को या बग फिक्स करके दे सकता है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क मतलब जो इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर रहते हैं या फिर डिवाइस रहते हैं उसको कंप्यूटर नेटवर्क बोल सकते हैं। इसमें तीन पार्ट है, लैन, मैन और वैन। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, जो अपने बिल्डिंग, हॉस्पिटल या फिर स्कूल के अंदर रहेगा, वो बहुत सारा छोटा सा एरिया रहेगा। ये बहुत छोटा सा बिल्डिंग, हॉस्पिटल, स्कूल, इतना ही लोकल एरिया नेटवर्क करेंगे। ये बहुत ज़्यादा छोटा डिस्टेंस कवर करता है और बहुत इजी टू सेटअप है। डाटा की स्पीड रहती है ट्रांसफ़र करने की, वो बहुत ज़्यादा रहती है और ये कम एक्सपेंसिव नहीं है ज़्यादातर। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एरिया नेटवर्क लैन से थोड़ा बड़ा रहता है लेकिन वैन से थोड़ा छोटा रहता है। ये दो सेपरेट कंप्यूटर को कनेक्ट करता है जो एक ही सिटी में या तो दूसरे सिटी में। इट कवर लार्ज एरिया मतलब इधर ज़्यादा एरिया में कवर करता है। ये ISP के तरफ से अपने को मिलता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि जियो, एयरटेल, इसकी तरफ से अपने को मिलता है। इधर हार्ड है डिज़ाइन करना। ये मैन का एग्जांपल अपन टेलीफोन कंपनी ले सकते हैं। जियो जैसे बोला, वो हाई स्पीड डेटा देती है अपने को, तो उसको थोड़ा कॉस्ट भी लगेगा ना अपने को इंटरनेट पहुंचाने का। सारे टावर लगाए गए, फाइबर ऑप्टिक केबल, ये सब चार्ज भी लगेगा। या फिर अपना टीवी का जो लैन आता है, केबल आता है टीवी का, वो भी बोल सकते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का एग्जांपल। वाइड एरिया नेटवर्क बहुत ज़्यादा लार्ज नेटवर्क है जो पूरे कंट्री या तो स्टेट में रहेगा। वैन एक कनेक्शन भी हो सकता है लैन का, वैन से आया और लैन में कनेक्ट हो गया टेलीफोन लाइन के ज़रिए या रेडियो वेव के ज़रिए। ये टेक्नोलॉजी हाई स्पीड है और रिलेटिवली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अ कम्युनिकेशन मीडियम यूज फॉर वैन इज टेलीफोन नेटवर्क और सैटेलाइट। इसका कम्युनिकेशन टेलीफोन नेटवर्क अपने टावर से, अपने मोबाइल में इंटरनेट, या फिर टावर से कंप्यूटर में इंटरनेट, या फिर सैटेलाइट से डायरेक्ट आता है इंटरनेट। वो ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस कवर करता है, जैसे कि कोई कंट्री, इंडिया टू अमेरिका, इंडिया टू चाइना एक्सेट्रा, इंडिया टू जापान। ये बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया का कॉन्फ़िगरेशन। नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन एक आर्किटेक्चर है टू डिज़ाइन अ कंप्यूटर नेटवर्क। ये फ्रेमवर्क है स्पेशल नेटवर्क फिजिकल कंपोनेंट का। इसमें दो टायर है, पेयर टू पेयर आर्किटेक्चर एंड क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। पेयर टू पेयर नेटवर्क, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है डेटा और वापस से यहाँ भी आ रहा है, और सेम वैसा सब जगह पे हो रहा है, सब जगह पे जा रहा है यहाँ से नेटवर्क, और फिर रिटर्न भी आ रहा है। तो इसे ही अपन पेयर टू पेयर नेटवर्क कहेंगे, जो कंप्यूटर टू कंप्यूटर लिंक रहता है। अगला हम पढ़ेंगे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मतलब एक सर्वर बना लिया और उससे बहुत सारे कंप्यूटर को ज्वाइन कर लिया हम लोगों ने, और सारा डाटा ये कंप्यूटर से सर्वर में आएगा। जैसा कि समझो ये मैं हूँ और यहाँ से मैंने वीडियो डाला यूट्यूब पे, ये यूट्यूब है और यहाँ से आप सब लोग देख रहे हैं वीडियो। तो ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के हिसाब से हो गया। अगला हम पढ़ेंगे इंटरनेट। इंटरनेट मतलब कंप्यूटर को कंप्यूटर से कनेक्ट करना थ्रू अ सर्वर। इंटरनेट एक सर्वर माना जा सकता है या फिर एक सॉफ्टवेयर माना जा सकता है जो अपने पूरा डिवाइस को कनेक्ट करता है, सारे कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। ये दूसरा वाला जो इमेज देख रहे हैं, ये कंप्यूटर का लोगो है और इसके जैसे दिख रहे हैं, सारे के सारा कनेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट कैसे बना? जो पहला प्रोटोटाइप था इंटरनेट का, जो लेट 1960s में बना था, उसका नाम दिया गया था ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये ओरिजिनली फंडेड था USA से, USA के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से। ARPANET एक पैकेज स्विचिंग था जो बहुत सारे कंप्यूटर को कम्युनिकेट करने के लिए या कनेक्ट करने के लिए एक सिंगल नेटवर्क से बनाया गया था। ये टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती गई, 1970s में रॉबर्ट खान और विंट सर्फ ने एक दो प्रोटोकॉल डेवलप किए, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल, TCP और IP, जो कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड बन गए, जो बताता था कि कितने फास्ट नेटवर्क ट्रांसमिट कर सकते हैं बहुत सारे नेटवर्क के ज़रिए, जो कि ARPANET ने फिर ख़रीद लिया TCP/IP को जनवरी 1 में 1983। उसके बाद रिसर्च चालू हुई जो असेंबल किया नेटवर्क ऑफ नेटवर्क बनाया गया। अभी जो इंटरनेट यूज़ करते हैं ऑनलाइन वर्ल्ड, ये उसी के ज़रिए बनाया गया था। फिर 1990s में 2G करके एक आया था, फिर उसके बाद उसमें ही बर्नर्स-ली ने WWW इन्वेंट किया था, वर्ल्ड वाइड वेब, जो अपन यूज़ करते हैं। फिर 2G 3G सब सबको मालूम होगा, तो इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे कि 1969 में अर्पानेट आया, और फिर 1970 के आसपास FTP TCP/IP आया, और फिर 1976 में ईथरनेट, फिर इंटरनेट, फिर वर्ल्ड वाइड वेब, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिर याहू, बिंग, यूट्यूब, इंस्टाग्राम एक्सेट्रा। फिर हम लोग पढ़ेंगे कुछ प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल एक रूल रहता है, सेट ऑफ रूल, जो कम्युनिकेट करते हैं दो कंप्यूटर के बीच में। जो दो कंप्यूटर रहते हैं वो मतलब बोल सकते हैं अपन एक दूसरे से बात करते हैं उनके सेम लैंग्वेज में, अपने लैंग्वेज में नहीं। कुछ एग्जांपल ऑफ प्रोटोकॉल देखते हैं। TCP/IP ये मैसेज को ब्रेक डाउन करता है छोटे छोटे पार्ट में और सेंड कर देता है नेटवर्क में। फिर DNS ये ट्रांसलेट करता है नेटवर्क एड्रेस टू अपने को अंडरस्टैंड हो वैसा, जैसे कि गूगल का कुछ रहेगा 1900 ऐसा कुछ, लेकिन अपने को दिखाई देता है google.com ऐसा। DHCP ये ऑटोमेटिकली असाइन करता है इंटरनेट एड्रेस टू कंप्यूटर एड्रेस, जो इंटरनेट का एड्रेस रहता है जो उसको कंप्यूटर एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है। FTP फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है इंटरनेट के ज़रिए। HTTP इंटरनेट बेस्ड रहता है जो सेंडिंग और रिसीविंग करता है वेब पेज का। IMAP ये रिसीव करते हैं ईमेल को इंटरनेट के ज़रिए, इंटरनेट के सर्वर से, और फिर मेंटेन करता है उसकी कॉपी। IRC यूज़ होता है इंटरनेट चैट के लिए, व्हाट्सएप वगैरह वगैरह। POP3 यूज़ होता है रिसीव करने को ईमेल को, लेकिन ये पूरा कॉपी मेंटेन नहीं करता है। SMTP ये सेंड करता है ईमेल मैसेज को सर्वर टू सर्वर। IT एनेबल सर्विस को ITES भी बोल सकता है, जिसको बोल सकते हैं वेब एनेबल सर्विस और रिमोट एनेबल सर्विस और टेलीवर्किंग। ये कुछ सर्विस है जो IT के अंदर आती है, जो करियर आप ऐसा करियर यूज़ कर सकते हैं। इसमें दो पार्ट है, डायरेक्ट इम्प्रूव सर्विस एंड इनडायरेक्ट बेनिफिट। पॉपुलर बहुत सारे पॉपुलर सर्विस है IT के, कॉल सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, डेटा सेंटर, GIS मैपिंग, ERP, नॉलेज मैनेजमेंट एक्सेट्रा। करियर इन IT में जैसा कि आप जानते हो बहुत सारे करियर है, इसमें से कुछ है वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपर। कोई भी वेब डिज़ाइन कर सकता है, अगर उसको कोडिंग का नॉलेज हो तो उसको डेवलप भी कर सकता है। फिर अगर उसको जावास्क्रिप्ट, HTML ये सब सीखना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर डेवलपर मोबाइल का जो सॉफ्टवेयर रहता है, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर रहता है, उसको डेवलप करना चाहिए और उसके पास स्क्रिप्टिंग स्किल्स होनी चाहिए। डेटाबेस मैनेजर कोई भी इसका जानकारी लेके डेटाबेस को मैनेज कर सकता है SQL स्किल के साथ। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट ये रिस्पॉन्सिबल है कोई भी नेटवर्क में, मतलब जो उसके पास नेटवर्क है उसका वाटरलाइट एडुकेट स्टाफ को अवॉइड करना, कोई भी कुछ भी जो भी जानकारी है वो बाहर ना जाए या कुछ मेलवेयर अंदर ना जाए, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्रोफेशनल अकाउंटेंट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के ज़रिए यह भी आसानी से हो जाता है और ये कोई भी बन सकता है, थोड़ा सा नॉलेज होना ज़रूरी है। इसके बाद आता है फाइनेंशियल एडवाइज़र, फाइनेंस की एडवाइस देना। साइबर एडवाइज़र कोई भी बन सकता है साइबर एडवाइज़र, साइबर के क्राइम वगैरह है तो उसको हैंडल करना है सब। एनिमेटर जो अपन एनिमेशन देखते हैं TV का, डोरेमोन, शिनचैन, जो भी कार्टून देखते हैं वो बन सकते हैं, अभी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। तो ये गेम डेवलपर PUBG खेलते हैं वो बनाते कैसे बनता है। ऑडियो विजुअल एडिटर जैसे कि अभी मैं ये वीडियो एडिट करने वाला हूँ तो ये एडिटर भी कोई बनते। कुछ रिसेंट ट्रेंड IT के ग्रीन कंप्यूटर, एनवायरमेंट फ्रेंडली कंप्यूटर बन रहे। अभी कंप्यूटर के ज़रिए कंप्यूटर आ गया तो अपन सारे फाइल कंप्यूटर में रखते, पेपर में लिख लिख के नहीं रखते। IOT इंटरनेट ऑफ थिंग, अभी जैसा TV कनेक्ट हो जाता है इंटरनेट से, फ्रिज कनेक्ट हो जाता है, बल्ब कनेक्ट हो जाता है, ये सब IOT है। क्लाउड कंप्यूटिंग अपने को जो भी डेटा है, वीडियो वगैरह है वो इंटरनेट पे स्टोर करना। डेटा एनालिटिक्स डेटा को एनालाइज करके अपने को कंक्लूजन देता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गूगल को अपन बोलते हैं तो वो रिटर्न वर्ड में आ जाता है। फिर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ मतलब कि अपने दिमाग एक रोबोट को या फिर मशीन को दे देने का। मशीन लर्निंग मशीन को अपने को सिखाने का, अभी कुछ भी है तो अपने को उसको प्रोग्राम दे देने का कि आप ये ऐसा ऐसा करेगा। जैसा कि अभी मैंने बताया एक मशीन को कि ये पेपर, कोई भी पेपर उधर जाके रख दे तो उसे पेपर रखेगा, दूसरा कुछ नहीं रखे जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के बीच में डिफरेंस ये है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब वो खुद से नॉलेज गेन कर रहा है, और मशीन लर्निंग जो अपन बता रहे हैं, अगर मैं बताऊँ कि ये कंप्यूटर है तो ये सिर्फ कंप्यूटर को पहचानेगा, उसके सामने मैं मोबाइल रख दूँ तो वो नहीं पहचानेगा कि मोबाइल है मशीन लर्निंग में। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद से बताएगा कि कौन सा मोबाइल है और कौन सा कंप्यूटर है। बिग डेटा, बहुत सारा डेटा को सारा मिस्टेक निकाल के अपने को बताएगा, जो कंप्यूटर का एक प्रोग्राम होता है वो सारा मिस्टेक निकालेगा। आपने देखा रहेगा कुछ टाइप करते तो कभी कभी रेड लाइन आती है, तो शायद हो सकता है उसमें मिस्टेक हो, उसको ऐसा लगा हो। ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन इज ग्रोइंग लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड लिंक यूजिंग क्रिप्टोग्राफी डिफाइन एज डिस्ट्रीब्यूशन डिसेंट्रलाइजेशन पब्लिक लेजर।